फ्रेंड्स, वैसे तो बैग सेगमेंट में हमने आपको कई लोगों के बैग्स दिखाए हैं, उनके सीक्रेट्स भी बताए हैं कि वो बैग में क्या क्या रखते हैं। और आज हम जिनके पास आए हैं उनको एक्चुअली हमने बताया नहीं था कि हम उनके साथ बैग सेगमेंट करने वाले हैं, तो उनको बताते हैं और सुनते हैं कि वो थोड़े शॉक होते हैं कि नहीं होते हैं, और साथ ही साथ उनके बैग में भी झांकेंगे। वैसे वो एग्री होंगे नहीं होंगे ये तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, सो आज हम हैं लाखों दिलों के धड़कन को धड़काने वाले मीट ब्रदर्स। Hey, how are you doing? This is Harmeet. ये तो मतलब कैसा किया है आपने कि मतलब हम हमारे बैग्स में आप झांक के लोगों को दिखाने वाले, हमारे बैग में क्या है? आपने हमसे कहा था इंटरव्यू लेंगे और ये एक लास्ट मिनट ट्विस्ट। ये हमने थोड़ा सा सरप्राइज रखा था, हमने सोचा था कि अगर हम आपको बताएंगे तो मे भी शायद आप मना कर दो, तो हमने सोचा कि लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा, आपके फैन के लिए सरप्राइज होगा और आपके लिए भी थोड़ा सरप्राइज होगा। लाइक इंटरव्यूज तो सब करते हैं, व्हाई नॉट थोड़ा डिफरेंट। प्रीटी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन है क्या, व्हाट इज, मतलब करना क्या है इसमें? फंसा दिया आपने, मतलब आदमी बोले नहीं मेरे को चेक नहीं कराना तो सब सोचेंगे अच्छा ऐसा क्या इसके बैग में है, तो चेक करा, मतलब बैग में चेक करा के क्या होगा इससे, हाउ मच वी नो कि बैग में क्या है ऐसा कुछ। आप गाने इतने अच्छे अच्छे गाते हो, आप बातें इतनी अच्छी करती हो, तो आप जब बैग कैरी करते हो तो आपके बैग में क्या होता है? तो अच्छा, जो मतलब हमारी हम लोगों की जो एक वो होती है ताका झाकी वाली आदत हमारी हम लोगों की, तो कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है, वैसे दूसरों के बैग में क्या चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। नॉट बैड यार, इंटरेस्टिंग है। 1987 से लहरे भाई, क्या लग रहा है तुमको? नहीं थॉट है भाई दूसरों के बैग में क्या चल रहा है। आई वुड लाइक टू एक्चुअली गो ऑन द नेट एंड सी कि ये शो में और लोगों के बैग्स में क्या क्या निकला, इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं बता दूं खोलने से पहले कि मेरे बैग में सुबह उठ के रात तक के नहाने धोने से लेके टूथपेस्ट से लेके सारी चीज़ें आपको शायद मिल जाएं, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा रहता है, सो शौक मत होइएगा। हाँ, इसकी हमारी सिंपल सी कहानी है जिंदगी की, हम लोग कभी भी हमारा शो आ जाता है, वेडिंग शो, पब्लिक शो, कॉलेज शो, तो क्लब शो, तो हम लोग को इमीडिएटली ऑफिस की मीटिंग छोड़ के भागना पड़ता है, फ्लाइट लेनी पड़ती है, इसलिए हमें एक मिनी जो नेसेसिटीज़ हैं वो तो हम लेके चलते ही हैं। गाइस, अब फटाफट हम देखते हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मीट ब्रदर्स अपने बैग में क्या रखते हैं। तो वी हैव टू बैग्स, मुझे नहीं पता ये कौन किन का है, तो मैं दो बैग रखती हूँ, अब ये बताएंगे कि कौन किन का बैग है। छोटा वाला बैग है वो बड़े का है, और जो बड़ा वाला बैग है वो छोटे का है। देखिए, एक तो ये है जो कि हम लोग ट्रैवल करते हैं तो सोने के लिए हमको ये आँख पे पट्टी लगानी पड़ती है, दिन में ज़्यादातर सोना पड़ता है, रात को हम शोज करते हैं। ये बैटरी पैक है, इसके बिना तो दुनिया चलती नहीं किसी की, आजकल हर आदमी जो है वो इसके बिना, फिर अब भूख लग जाती है कभी भी, तो प्रोटीन कुकी है, फैट भी नहीं खाना और कुकी भी खाना है, तो प्रोटीन कुकी है जब कभी भूख लग जाए, बिस्किट भी है। और सनस्क्रीन देखिए क्या है, दोपहर को आप बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन होनी ज़रूरी है, चेहरे पे स्किन बचानी पड़ेगी नहीं तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। हेयर ब्रश है और वायर है, सिलेक्टिव दिखा रहा है, कुछ कुछ चीज़ें छुपा रहा है, और एयरपॉड्स हैं, चार्जर है ना, ऑफकोर्स उसके बिना तो जिंदगी बिल्कुल। अरे मम्मी देखो, और जिप निकली। और एक एंटी एलर्जी की टैबलेट रहती है साथ में, क्योंकि कभी भी किसी से हम बाहर रहते हैं तो खाना बाहर का खाते हैं हमेशा, फिश और प्रॉन्स में कभी एलर्जी होती है तो वो साथ में एक टैबलेट रहती है, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते खाने पे। बाकी और मेकअप का सामान है, मेकअप वाहिगुरु जी ने करके भेजा हुआ, परस उसकी लोड़ नहीं पहनती। बाकी ये सब कार्ड्स हैं इसमें भाई, ज़्यादा मत झाँको नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, और कुछ नहीं एक्चुअली इसमें, बस यही सब है। आपसे जानना चाहेंगे, बैग का जो कलर है वो ब्लू है, लाइक कि बॉयज को ब्लू कलर पसंद होता है, दस भाई की ये ब्लू है कि रैंडमली? लाइक ब्लू आइड बॉय ऑफ माय फैमिली, ऑफ माय ब्रदर, एवरीवन। एंड क्या, ब्लैक बहुत कॉमन होता है, बहुत बोरिंग ऑफिस कलर है, तो हम फॉर्मल बैग है, लेकिन मैं थोड़ा सा यू नो बेबी डॉल जैसे हमारा थोड़ा ट्विस्ट है, हर चीज़ में कोई ट्विस्ट पसंद है लाइफ में, कलरफुल है काफी। मैं थोड़ा कलरफुल हूँ, ज़्यादा नहीं, ऐसा ऑरेंज बैग नहीं है। तो ये मेरा सबसे जो क्विक चीज़ें जो चाहिए होती हैं मुझे, कार चार्जर, ये लिप बाम, मेडिसिन, इमीडिएटली किसी को कार्ड निकाल के देना हो जो क्विक, ये खजाने की चाबी, खजाने की चाबी, और कनेक्टर्स हैं मोबाइल के, एक दो कनेक्टर्स हैं, वॉच, मेरी एक्स्ट्रा एक बैकअप वॉच रखता हूँ मैं, जब शो में जाते हैं तो बहुत लाउड नॉइज़ होता है तो कान को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर एक ईयर के वो हैं। ये मेरा मोबाइल का पाउच है जिसके अंदर बैटरी पैक है जो मनमीत का। लड़कों को ना हम इतने अच्छे से लाइक ऐसे रखते हुए हमने देखा नहीं, उनके सामान जो है ना वो ऐसे फेंके हुए रहते हैं, बट इनका हम देख रहे हैं कि पूरे अच्छे से शुरू से। ये बचपन में हम स्कूल में था तो ये मेरा जूनियर था, तो मेरी कबर्ड कपड़े वपड़े फोल्ड करना मेरे को बिल्कुल ना आता था, ना मेरा इंटरेस्ट था, तो ये तब से पूरे स्कूल लाइफ में आके मेरी कबर्ड के कपड़े फोल्ड करके यही मेरी कबर्ड क्लीन करके रखता था, तो उसको शुरू से ऑर्गेनाइज्ड है। इसके पास कॉलेज की भी टी शर्ट्स जो अभी भी पहनता है।
करेक्ट है, जो मेरी फेवरेट टी शर्ट है उसको मैंने एज अ मेमोरेबिलिया संभाल के रखा हुआ है। असली चीज दिखाओ, ये तो सब दिखावा है अंदर का। मनमीत को चाहिए मसाला कुछ, लेकिन बता दूंगा सब वायर्स और कनेक्टर्स हैं। अगेन मोबाइल से ही जिंदगी चल रही है। ये अंदर दो तीन तरीके के मेरे ग्लासेस हैं और स्पेक्स हैं, एक शो का रहता है। ऐसे लोग कम मिलते हैं ना कि जो इतना मसाला लेके चलते हैं। फिर एक और है, तो तीन ग्लासेस हैं। हाँ, एक ये है, वॉलेट है बेसिकली, और कुछ नहीं है इसके अंदर। एवरीडे यूज वाली जगह जो फ्रंट में रहती है, पीछे जो बैकयार्ड में है मेरे घर के, जो छुपा के रखता हूँ मैं, वो है। ये तो शर्ट थोड़ी ओल्ड हो गई थी तो गिफ्ट करनी है मेरे को अपने किसी ऑफिस में किसी को। ये जो है एक तरीके से इसमें क्या है, परफ्यूम है। अरे ये तो लेडीज परफ्यूम है। अबे नहीं भाई, मेंस परफ्यूम है यार, क्या बात कर रहा है। लेडीज परफ्यूम। देखो भाई, जब रात को पार्टी करने जा रहा हूँ, घर कौन जाएगा इतनी दूर, यहीं से सीधे जाना है मुझे पार्टी करने, समझ रहे हो ना आप। आप मुझे पार्टी में इनवाइट करोगे। ट्राई कर। और ये देखिए, टूथब्रश भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो बेसिकली ये वो है। हाँ, आई मास्क, स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लाइट में सोना हो, लाइट बहुत सारी है, ऑफिस में काम गाने बनाते बनाते 4 बज जाते हैं, तो कभी यहीं सोना हो। तो ये आपका पार्टी पैक हो गया। और ये आपकी लास्ट 2 चीज़ें हैं खाने पीने की, वंस एन अ वाइल कभी भूख लग जाए तो बॉक्सेस के अंदर। एंड बस यही है। ये क्या है? ये गंगा जल। ये से डाला है। ये मनमीत जो है बचपन से बहुत शरारती है। ये जब मनमीत बहुत नेगेटिव हो जाता है, जब झगड़े करता है, तो मैं ऐसे स्प्रे करता हूँ उस पर। मेरे को मेरे वास्तु वाले ने बोला गंगे। ये ऑफिस में रहता है वैसे, तो ऑफिस की चीज मनमीत को बड़ा मजा आता है कॉन्ट्रोवर्सी में। तो यही मेरा पूरा सूटकेस है। इसके अलावा क्या रह गया भाई? बिस्तरी रह गया तो। ये जो होल आइडिया है, कॉन्सेप्ट है लहरा का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इससे वो चीज़ में आप वो चीज़ देखने को मिलती है जो कोई और नहीं दिखा रहा पूरे हिंदुस्तान में, एक इंसान के अंदर की बातें। सो इफ़ यू लाइक, आपको बातें पसंद आई हो और अगर अच्छा लगा, तो जो भी आप हमसे भी कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू लहरा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मीट ब्रदर्स, जिन्होंने हमें अपना बैग भी दिखाया और काफ़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी की। तो गाइज, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा फटाफट अपने कॉमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन खालिद के साथ मैं मिनी लहरा, स्मॉल स्क्रीन।